الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Respected Momineen and Mominaat, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shahr Ramadan al Mubarak ke is darse akhlaq mein Bandai Hakir Imamiya Shah Najaf Paris France ke platform se aapki khidmat mein hazir hai. इंशाअल्लाह पूरे शहर रमजान अल करीम में मुख्तलिफ मौजूआत पर जिंदगी में जिन जिन चीजों की जरूरत है उस पर हम लोग इंशाअल्लाह बात करेंगे. हम शहर रमजान की अजमत पे, उसकी अताओं पे, उसकी करीमी पे बात कर रहे थे कि रोजेदार क्या है, रोजेदार की अहमियत क्या है, रोजे के दिन की अहमियत क्या है. रोजे का एक एक दिन इंसान तेरे लिए कितनी नेमतों का पैगाम लाता है, तेरे लिए कितनी बरकतों का पैगाम लाता है. रोजेदार के अंदर तकब्बुर की ताकत मर जाती है, इसके अंदर से फख्र करने की ताकत मर जाती है. क्यों? क्योंकि जो इंसान सारा दिन खुद भूखा है उसे यकीनन ये एहसास होता है कि कोई इंसान अगर उसे दिन भर खाना ना मिले तो उसकी क्या हालत होती है, उसका दिन कैसे गुजरता है, उसकी रात कैसे गुजरती है. यानी रोजा सिर्फ मुंह के बांधने का नाम नहीं है मेरा दोस्त, ये तो इंसान के अंदर इंसानियत जगाने का नाम है. ये इंसान के अंदर जो एहसास है उसे उजागर करने का नाम है रोजा. रोजे में इंसान को प्यास लगती है तो पानी की अहमियत पता चल जाती है, भूख लगती है तो खुराक की अहमियत पता चल जाती है, गरीब की गुर्बत का एहसास हो जाता है, कमजोरी आती है तो बीमार का ख्याल आ जाता है कि उसका जिस्म इतना नहीं है तो उसका गुजारा कैसे होता होगा. शहर रमजान अल मुबारक कोई मामूली महीना नहीं है, कोई जुगतबाजियों का महीना नहीं है, कोई मजाक का महीना नहीं है, कोई हंसने खेलने का ही सिर्फ महीना नहीं है, बल्कि शहर रमजान तौबा का महीना है, शहर रमजान रहमतें समेटने का महीना है, शहर रमजान बरकतें समेटने का महीना है. शहर रमजान अल मुबारक रहमत के दरवाजे तेरे लिए खुल चुके हैं, बरकतों के दरवाजे तेरे लिए खुल चुके हैं. और मुनादी हर रोज निदा देता है, इंसान आ जा, तेरा रब तेरी मुलाकात के लिए बेकरार है, आ जा. लेकिन कई बदबख्त आपको देखने में मिलेंगे जो बगैर किसी शरई उजर के रोजा भी नहीं रखते हैं और अल्लाह की शरीयत को पायमाल भी करते हैं, फिर गलत गलत दलीलें भी पेश करते हैं.
जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल अंसारी से एक हदीस है, रिवायत है कि अबू जाफर मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब रसूल खुदा माह रमजान उल मुबारक के चांद को देखते तो फौरन अपना चेहरा किबला की तरफ कर लेते, फिर फरमाते खुदाया इस नए चांद को मेरे लिए अमन ओ ईमान ओ सलामती और इस्लाम और पूरी आफियत वसअत रिज के साथ हम सब लोगों पर तुलू फरमा और हमारी बीमारियों को दूर फरमा, तिलावत कुरान की तौफीक दे, रोजे और नमाज में हमारी मदद फरमा। यानी शहरों रमजान सिर्फ बैठ के ड्रामे देख के अपना टाइम पास करने का टाइम नहीं है या मजाहिया शो देख के अपना वक्त गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि शहरों रमजान अल करीम कुरान की तिलावत करने का नाम है। सिर्फ भूखा और प्यासा रहना काफी नहीं है, सिर्फ टाइम गुजारने के लिए कुछ ना कुछ दुनियावी शुगल को खड़ा कर लेना वो नहीं है, बल्कि अगर अल्लाह ने तुम्हें फुर्सत अता की है और अल्लाह ने तुम्हें ये अजीम मौका दिया है तो तुम क्या करो इंसान, अल्लाह की तिलावत में अपना वक्त गुजारो, नमाज में अपना वक्त गुजारो, दुआओं में अपना वक्त गुजारो। इसका नाम शहर रमजान है, इसीलिए तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार आलम की बारगाह में हाथों को बुलंद करके शहर रमजान उल करीम का महीना देखने के बाद ये दुआ फरमा रहे हैं कि परवरदिगार तू इसमें हमें तिलावत कुरान करने की तौफीक अता फरमा, हमें रोजे रखने की तौफीक अता फरमा, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, खुदाया हमको माह रमजान की इबादत के लिए सही और सालिम फरमा, सेहत और सलामती अता फरमा। यानी कितना कितनी असीम दुआ है, कितनी असीम दुआ है कि परवरदिगार आलम की बारगाह में अल्लाह के हबीब मांग रहे हैं ये दुआ और फरमा रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं परवरदिगार की बारगाह में कि खुदाया इस माह मुहर्रम इस माह रमजान अल मुबारक में हम लोगों की मग़फ़िरत फरमा, फिर अपना चेहरा मुबारक लोगों की तरफ करते और फरमाते ऐ गरोह मुस्लिमीन जब तुम माह रमजान उल मुबारक के चांद को तलू, जब माह रमजान उल मुबारक का चांद तुलू होता है तो सरकश नाफरमान शैतान को कैद कर दिया जाता है और आसमान बहिश्त और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, दुआएं मुस्तजाब होती हैं और अल्लाह के लिए यह लाजिम होता है कि हर इफ्तार के वक्त कुछ लोगों को जहन्नुम से आजाद कर दे, जहन्नुम से आजाद कर दे। माह रमजान की हर शब को मुनादी निदा देता है कि क्या कोई ऐसा ख्वाहिशमंद है जो अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करे और तौबा करे। ऐ अल्लाह हर राह है खुदा में हर राह खुदा में खर्च करने वाले को दुनिया और आखिरत में इसका अजर अजीम अता फरमा। क्या हबीब हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके लिए दुआ है। मेरे मौला फिर फरमाते हैं इंसान तेरे लिए तेरा हबीब क्या रहमतें मांग रहा है, तेरा रब तेरे लिए कितनी माफी के दरवाजे खोल रहा है, क्यों सरकश बनता है, क्यों शैतान के हाथों में मजबूर होता है, क्यों अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं करता और गैरुल्लाह के सामने सवाल करते हुए शर्म महसूस नहीं करता, अपने परवरदिगार की बारगाह में सवाल करे इंसान, तेरा रब तुझे माफ करेगा, तेरा रब तेरे गुनाह बख्श देगा। ये तो हबीब मुस्तफा कह रहे हैं माह रमजान अल मुबारक का चांद ही हमें ये
पैगाम देता है। क्या फरमाते हैं अल्लाह के हबीब? फरमाते हैं कि माह रमजान की हर शब को मुनादी निदा देता है कि क्या कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा ख्वाहिशमंद है जो अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करना चाहता है? कोई है ऐसा कि जो अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करना चाहता है और तौबा करे और हर राह खुदा में खर्च करने वाले को दुनिया और आखिरत में इसका अजर देगा अल्लाह, और हर मुमस्सिक को बखील को तल्फ कर देगा। रसूल करीम फरमाते हैं कि जब माह शवाल का हिलाल चांद तुलू होता है तो मोमिनीन को निदा दी जाती है कि कल आने वाले दिन में अपने इनामात लेने आ जाओ। और कल आने वाला दिन इनामात की तकसीम का दिन है जिसमें परवरदिगार तेरे लिए इनामात तकसीम करेगा। फिर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद फरमाते हैं कि कसम है इस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मैं मोहम्मद इबन अली की जान है, ये इनाम दिरहम और दिनार या सोने चांदी की शक्ल में नहीं होंगे, यानी जो जाहिल हो जाने वाले, ये ऐसा इनाम नहीं होगा बल्कि हमेशा के लिए रहने वाले ये इनामात होंगे। इंसान तेरा अकीदा इस पर क्यों मजबूत नहीं हो रहा है? तेरा दिल क्यों नहीं मानता है कि ये सब कुछ तुझे मिलने वाला है? इंसान का अकीदा है क्या? इंसान के अकीदे में क्या कुछ है? आज जब मैं ये सुनता हूं कि कोई कह रहा है मेरा ये अकीदा है, मेरा ये अकीदा है, मेरा ये अकीदा है, यानी मनगढ़ंत अकीदे बना रखे हैं कुछ लोगों ने। मैं हमेशा इसी प्लेटफॉर्म से इमामिया शाह नजफ पेरिस फ्रांस से ये पैगाम अपनी कौम को, अपनी उम्मत को, अपनी कौम को और अपने भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को ये दिया करता हूं कि अकीदा हमारे बनाने से नहीं बनता है बल्कि अकीदा हमारा वही है जो अल्लाह ने रसूल खुदा और आइम्मा के तवस्सुत से हमें दिया है। अकीदा मोमिन कैसा होना चाहिए? मोमिन अपने आप को मोमिन कहता है, हाँ हर आदमी एक दूसरे कहता है ये अपना मोमिन भाई है, ये अपना मोमिन भाई है, ये अपना मोमिन भाई है। कभी ये सोचा है कि मोमिन की निशानी क्या है? कभी ये सोचा है कि मोमिन कैसा होता है? कभी ये सोचा है कि मोमिन देखने में कैसे लगता है? कभी ये सोचा है कि मोमिन का चाल चलन कैसा होता है? कभी ये सोचा है इंसान तुमने कि इन मोमिन की जबान कैसी होती है, मोमिन का किरदार कैसा होता है, मोमिन की गुफ्तार कैसी होती है? अकीदा हमारे बनाने से नहीं बनेगा बल्कि अकीदा वो है जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमने खुद हमको दिया है। एक हदीस में वारिद हुआ कि ये हदीस अब्दुल अजीम इब्ने अब्दुल्ला अलहसनी से है, दखलतु अला सैयद अली इब्न मोहम्मद इब्न अली इब्न मूसा इब्न जाफर अस्सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फलम्मा अबसरनी قال لي مرحبا بك يا ابو القاسم انت ولينا حقا قال فقلت يا ابن رسول الله اني اريد ان اعرض عليك ديني فان كان مريضا وان كان مرضيا اثبت عليه حتى القى الله عز وجل। यानी क्या है कि सहाबी इमाम की खिदमत में दाखिल होता है और अर्ज करता है मौला मुझे ये बताइए कि हमारा अकीदा, ये हदीस में ले रहा हूं हजरत अब्दुल अजीम हसनी का बयान है कि मैं आका मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, जब आपकी मुझ पर निगाह पड़ी तो फरमाया अबुल कासिम खुश आमदीद, आप हमारे सच्चे दोस्त हैं। मैंने अर्ज किया फरजंद रसूल खुदा मैं आपके सामने अपना दीन पेश करना चाहता हूं, अपना अकीदा पेश करना चाहता हूं, अगर वो सही हुआ तो मरते दम तक इस पर साबित कदम रहूंगा और अगर ये सही ना हुआ तो मैं आप मेरी इस्लाह फरमाइएगा। कभी हमने कोशिश की है
कि मासूम का बयान किया हुआ अकीदा हम इस पर अमल करें। कभी हमने ये कोशिश की है कि मासूम का बताया हुआ अकीदा उस पर हम अमल करें, या पूछे तो सही कम अज कम हमारा अकीदा है क्या? तो क्या अकीदा उन्होंने बयान फरमाया? सबसे पहले فقلت اني اقول ان الله تبارك وتعالى واحد، अर्ज की कि मौला मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह वाहिद है, अहद है, समद है। मासूम इसका अकीदा सुन रहे हैं, फिर कहा लैसा कमिस्लिही शेउन, उसकी मिसाल कोई शय की नहीं है। खारिज मिन अल हद्दैन, हद अल अबताल, व अबताल की तमाम हदों से और कैदों से बुलंद तर है कौन? वो अल्लाह जिसने हमें खल्क किया है। हदीस थोड़ी लंबी है, इंशाल्लाह कल बयान करेंगे आपकी खिदमत में। परवरदिगार आलम, हमारा टाइम हो चुका है तकरीबन, इंशाल्लाह बस दुआ करता हूँ कि खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। और मेरा अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा, मेरा अल्लाह हमारी रियाकारियों को माफ़ फरमा, मेरा अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें ईमान कामिल अता फरमा, या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह हमें दुनिया में मोहब्बत मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद नसीब फरमा, मौत के वक्त कब्र में आखिरत में यौमुल क़ियामत शिफात मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद नसीब फरमा। या अल्लाह मज़हब हक़ इस्लाम को बुलंदी और तरक्की अता फरमा, मज़हब हक़ इस्लाम के दुश्मन जो काबिल इस्लाह है उनकी इस्लाह फरमा, जो काबिल हिदायत नहीं है उनको नीस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह इस कोरोना वबा से हम सबको तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को महफूज फरमा, मेरा अल्लाह तमाम आलम इंसानियत को इससे महफूज फरमा। या अल्लाह हम सब पे करम फरमा, हमारी मसाजिद को इमाम बारगाहों को फिर से आबाद उशाद फरमा। या अल्लाह बे औलाद मोमिनीन को औलाद नौरीना अता फरमा, साहिब औलादों की औलाद को नेक और साले फरमा, मेरा अल्लाह बे रोजगारों को रोजगार अता फरमा, साहिब रोजगारों की रोजगार में दिन दुगनी रात सुगनी बरकत और तरक्की अता फरमा। या अल्लाह तुझे तेरी अजमत और जलालत का वास्ता, तुझे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद का वास्ता, हम सब के इल्म और अमल साले में इजाफा अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।